हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इट इज हार्ड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम इसे कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं ये लेसन शुरू करूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं शुक्रगुजार हूं मिस्टर अरुण कुमार और प्रखर का, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया और मुझे सपोर्ट किया। फ्रेंड्स, आप भी नीचे दिए गए ज्वाइन के बटन दबाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इट इज हार्ड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई चीज किसी के लिए मुश्किल है या कठिन है। जैसे अगर मुझे कहना हो दवा खाना मेरे लिए मुश्किल है या दवा खाना मेरे लिए कठिन है, तो आप कहेंगे इट इज हार्ड फॉर मी टू टेक मेडिसिन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो टाई यूज करना मेरे लिए मुश्किल है या टाई यूज करना मेरे लिए कठिन है, तो आप कहेंगे इट इज हार्ड फॉर मी टू यूज अ टाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सीखा कि जब कभी भी आपको कहना हो कि आपके लिए कोई काम करना मुश्किल है या कठिन है, तो आप इट इज हार्ड फॉर उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे आप पर यकीन करना मुश्किल है, तो आप कहेंगे इट इज हार्ड फॉर मी टू बिलीव ऑन यू। फ्रेंड्स, अगर आप कहना चाहें कि मेरे लिए रोटी पकाना मुश्किल है, तो मैं कहूंगा इट इज हार्ड फॉर मी टू बेक ब्रेड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो आपके लिए इंग्लिश बोलना कठिन है या आपके लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल है, तो आप कहेंगे इट इज हार्ड फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन फ्रेंड्स, ये सेंटेंस कुछ अच्छा नहीं लगा, बल्कि इसके जगह पर ये होनी चाहिए आपके लिए इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है या आपके लिए इंग्लिश बोलना कठिन नहीं है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट हार्ड फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। फ्रेंड्स, अक्सर आप सुने होंगे कई लोग कहते हैं मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कहना हो कि मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट हार्ड फॉर मी टू अर्न मनी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब पाना कठिन है या मेरे लिए एक गवर्नमेंट जॉब पाना मुश्किल है, तो आप कहेंगे इट इज हार्ड फॉर मी टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, किसी खर्चीले आदमी को देखकर आप ये कहते हैं आपके लिए पैसा बचाना मुश्किल है या आपके लिए पैसा बचाना कठिन है, तो आप कहेंगे इट इज हार्ड फॉर यू टू सेव मनी। फ्रेंड्स, हम अपने डेली लाइफ में अक्सर ये कहते हैं मेरे लिए सुबह उठना मुश्किल है या मेरे लिए सुबह उठना कठिन है, तो आप कहेंगे इट इज हार्ड फॉर मी टू गेट अप इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मेरे लिए शतरंज खेलना मुश्किल है या मेरे लिए शतरंज खेलना कठिन है, तो आप कहेंगे इट इज हार्ड फॉर मी टू प्ले चेस। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आई कि जब कभी भी आपको कहना हो कि किसी के लिए कोई काम करना मुश्किल है, तो आप इट इज हार्ड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के साथ इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंस पास्ट में हो तो आप इजारन के जगह वाजवर का यूज करें। जैसे मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल था, तो आप कहेंगे इट वॉज हार्ड फॉर मी टू अर्न मनी। मेरे लिए एक गवर्नमेंट जॉब पाना मुश्किल था, इट वॉज हार्ड फॉर मी टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। मेरे लिए अच्छे सब्सक्राइबर पाना मुश्किल था, इट वॉज हार्ड फॉर मी टू गेट गुड सब्सक्राइबर्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और जब कभी भी आपको कहना होगा कि कोई काम करना आपके लिए मुश्किल था या कठिन था या कठिन है या मुश्किल है, तो बड़े शानदार तरीके से आप उसे बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई यह लेसन आपको समझ में आया, तो प्लीज आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो इट इज नॉट हार्ड फॉर यू टू सपोर्ट मी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक मजेदार लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।